हाँ जी दाजू प्रणाम, मैं हूँ आपका अपना आरजे और मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए चा पानी फसक जो चलता है अपने 91.2 बदलते शहर की धड़कन यानी हेलो हल्द्वानी में। शाम के बज गए हैं 4 और शुरू हो गया है अपना चा पानी फसक। सबसे पहले तो यार दाजू आप सभी को लोहरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है जिस दिन हम लोहरी का त्योहार मनाते हैं ना वो दिन साल का सबसे छोटा सा दिन होता है और उसका उल्टा रात सबसे बड़ी होती है। तभी तो लोहरी को शाम से लेकर रात तक मनाया जाता है। जैसे अपने पहाड़ में कथड़वा मनाते हैं जब अपना गर्मियों के बाद ठंडा शुरू होने वाला होता है, ऐसे ही लोहरी का त्योहार भी इसी बात का संकेत होता है कि अब ठंडा खत्म होने जा रहा है और बसंत ऋतु की शुरुआत होने वाली है, जहाँ पे नए नए से फूल पौधे पत्ते। तो इसी वजह से ही अपना हार्वेस्टिंग वाला फेस्टिवल है। और ये जो शब्द है ना लोहरी, इसका भी एक बड़ा मतलब है। लॉ का मतलब होता है लकड़ी, ओ का मतलब होता है सूखा उपला और री का मतलब होता है रेवड़ी। तो बेसिकली ये जो अपना पूरा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जहाँ पर हम लकड़ियों में आग लगाते हैं और उसके चारों ओर एक अपने फोक सॉन्ग के साथ घूमते हैं, मस्ती करते हैं। इसके साथ साथ जब अपना पूरा फेस्टिवल खत्म होता है तो उसके बाद जैसे कथड़वा में ककड़ी बांटते हैं ना, ऐसे यहाँ पे रेवड़ी बांटी जाती है। तो दोस्तों आप बताओ इस बार लोहरी का क्या प्लान है अपने घर में, मतलब इस बार क्या सोच रहे हो किस तरीके से लोहरी मनानी है? मतलब कुछ तो स्पेशल सोचा ही होगा कि आज कुछ स्पेशल किया जाएगा रेवड़ी के साथ साथ, और क्या क्या बांट रहे हो? हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भी जरा बताओ, हम भी यहाँ आपको सुनने के लिए बेताब है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7300689102। यहाँ पर आप टेक्स्ट करके हमको बता सकते हो। वैसे आज शाम को हम भी थोड़ा सा फ्री हैं, सोच रहे थे कि अगर कहीं से थोड़े इनविटेशन आ जाए तो हम भी रेवड़ी खाने जरूर आएंगे। अब बिना चाय के तो रेवड़ी का मजा ही कहाँ, और जहाँ चाय वहाँ तो भाई दिन सुहाना और शाम बड़ी रंगीन हो जाती है। वैसे आपकी शाम सुहानी करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और हमें बताइए क्या है आज स्पेशल आपके लिए। चलो मैं लौटता हूँ कुछ ही समय में, आई विल बी बैक।